मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। तो आइए हम आज इस वीडियो को इस चौपाई, इस दोहा से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप जाके एक प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियो अर्थ के सहित अपलोड हैं। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बातन मन ही रिझाई सठ जानी भाल सी को लिखीस, राम विरोधन ओबरी सी शरण विष्णु मज ईश। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजमान अनुज इउ प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरना सारा नल फल फूल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। जो दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत भय सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से अर्थात ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है अर्थात डिंग हाँकता है। सूप अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाव, जदपि कीन लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु की, करी उर अपराध न एक उधरे। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एक न कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा दीन भय देही, चरण प्रहार कीन सत देही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूध ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण उसको लात मारी। माई चरण सिरु चल सोता हाँ, कृपा सिंधु राग नायक जहाँ। करी प्रमाण निज करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारही बारा, मुझे आश्रम कहूँ पग उधारा। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपा सागर से रघुनाथ जी के प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था अगस्त्य, ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करते वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिना नमानत जल भी जड़ गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन होइ न प्रीति। इधर तीन दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र बिना नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनंदोषण सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से बिनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति होती है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखाने। क्रोध सम काम ही हरि कथा, उसर बीज वह फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से, वैराग्य का वर्णन क्रोधी से, सम अर्थात शांति की बात और कामी से भगवान कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है।
अस कही रघुपति चाप बढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा ने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदति और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चलाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर रग झसगन अकुलाने, जरत जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार भरि था मन गान गाना, विप्र रूप आय तजि माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटें पई का दिरी फरे कोटी, जतन को सींच नयन मान खवेश सुनो। काटें पाई नो नीच काक भूसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीचे नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झूठता। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण अर्थात दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित मया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आये सुजो कह जैसे हई, सोते भांति रहे सुख लाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भलकी न में सुख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। डोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जब सुखाई, उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपील है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, जे ही विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिका मीर सियासी से पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तीर हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ऊर धरी प्रभु प्रभुताई, करी बल हनुमान सहाई। ए विधि नाथ पयोधि बांधई, जे यह सुज सुलोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बांधी, जिसे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाएगा। यही सर्वम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ फल हर अघरासी। सुने कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर ली। देखी राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बन झुका थोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देख कर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गयन सिंधु श्री रघुपति, अमित भाय
यह चरित कलि मलहर जथा मति दास तुलसी गायहु सुख गमन संशय समन गमन विषाद रघुपति गुणगना तरी सकल आस भरोस गावहिं सुनि संतत सठ मना। समग्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा, यह चरित कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार गाए हैं। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भाव सिंधु बिन जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भाव सागर को तर जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। तो इस वीडियो में हम सुंदर कांड के सारे चौपाई सारे दोहा को पढ़ लिए। सुंदर कांड यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप सुंदर कांड का पूरा पाठ करना चाहते हैं और सही, तो आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सुंदर कांड के नाम से, आप वहाँ पे सारा वीडियो अर्थ सहित देख सकते हैं सुंदर कांड के पहले चौपाई से लेके अंतिम चौपाई तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान।